अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं दानिश जावेद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूं आपके फेवरेट प्रोग्राम हालात में। आज का हमारा टॉपिक है नाज़रीन असहिष्णुता यानी इनटॉलरेंस, और इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए आज स्टूडियो में मेहमान तशरीफ लाए हैं हाजी जमीरुल्लाह साहब, मशहूर सोशल वर्कर हैं और अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी के MLA हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं प्रोफेसर शकील समदानी साहब। शकील समदानी साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और उसके अलावा बहुत सारे इदारों से जुड़े हुए हैं जो सोशल वर्क और समाज सेवा का काम करते हैं। मसलन वाइस प्रेसिडेंट हैं मिल्ली काउंसिल के, उसके अलावा आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ जनाब समदानी साहब। हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं प्रोफेसर असमर बेग साहब। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर भी हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है। आपका इस्तकबाल है जनाब। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ हैं हमारे भाई जैद खालिद पटेल साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि मशहूर और मारूफ इस्लामी स्पीकर हैं और स्कॉलर हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं जैद साहब। आइए दोस्तों आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक बड़ा टॉक अबाउट टॉपिक है। इस वक्त तकरीबन हर चैनल और हर मोहल्ले हर गली में ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है इनटॉलरेंस। इसकी वजह है कि इस इनटॉलरेंस से जुड़े हुए लोगों ने बड़े बड़े कमाल और करतब करके दिखाए हैं। इसके हक में जो लोग हैं उन्होंने अवार्ड वापस किए हैं, जिन्हें ये लगता है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल है जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, वो एहतजाज कर रहे हैं। और जिन लोगों को ये लगता है कि ये एहतजाज करने वाले लोग गलत हैं, वो इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम अपने इन पैनलिस्ट से, इन काबिल और मोहतरम लोगों से ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंटॉलरेंस है क्या, क्या चीज है। आपसे कुछ वक्त पहले तक डिक्शनरी का एक लफ्ज था जिसे हम इंटॉलरेंस यानी हमारी बर्दाश्त की कमी मानते थे, लेकिन अचानक इसका एक सियासी एंगल निकल आया है। ये सियासी एंगल क्या है और अगर हम सियासी पस मंजर में देखें तो इस इंटॉलरेंस का मतलब क्या होता है। हम अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं जनाब जमीरुल्लाह साहब से। जमीरुल्लाह साहब, आपसे जानना चाहूंगा, चारों पैनलिस्ट से मैं चाहूंगा कि पहले इस टॉपिक को हमें समझाएं, तो एक एक मिनट में। इंटॉलरेंस एक ऐसा अजीब गरीब डर है जो आज हर इंसान के दिमाग में दिल में बैठा हुआ है। जो कल तक हम एक दूसरे के बहुत नजदीक रहा करते थे, आज हम एक दूसरे की हर चीज पे नजर रखे हुए हैं। हमसे मुराद अलग अलग कौमें, हाँ, एक दूसरे की। हम एक गांव में पांच बरादरी रहते हैं, पांच जात के लोग रहते हैं, लेकिन आज ये हालत हो गई कि तेरे घर में क्या पकता है, तुम कारोबार क्या करते हो, तुम्हारा पैसा कमाने का जरिया क्या है। पहले आज से ये 3 साल पहले कुछ नहीं था, 4 साल पहले कुछ नहीं था। आदमी अपने काम करता था, कोई बात नहीं। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, किसी आदमी का बकरे का कारोबार है, आज बकरे का कारोबार करना उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, भैंस का कारोबार करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एक अजीब करीब डर है ये, और ये इतनी बड़ी बीमारी है कि अगर इसको हम लोगों ने बहुत जल्दी दूर नहीं किया तो हिंदुस्तान के अंदर एक अजीब गरीब माहौल पैदा हो जाएगा। जी शकील संदानी साहब, प्रोफेसर साहब, आप देखिए क्या राय है, आप कैसे डिफाइन करेंगे इस वर्ड को? देखिए इंटॉलरेंस का तो मैं ये कहूंगा कि आज से चंद साल कबल जो चीजें हम बहुत आराम से बर्दाश्त करते थे, दूसरे मजाहिब की चीजों को, उनके रीति रिवाज को, उनके खाने पीने को, उनके ड्रेस को, उनकी बातों को, आज अचानक वो चीजें हमें खराब लगने लगी हैं। और न सिर्फ खराब लग रही हैं बल्कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उस खराबी को बरमला इजहार करें, और इजहार करने का तरीका ये हो कि अगर हमें उसे कत्ल भी करना पड़े तो उस एक्सटेंट तक जाएं और कत्ल के बाद भी जस्टिफाई करें। यानी इनटॉलरेंस की लिमिट को भी क्रॉस कर रहे हैं हम, और जिस चीज को हम 1200 साल से, हिंदुस्तान मुसलमान 1200 साल पहले, 1300 साल से टॉलरेट कर रही थे, उसको अचानक हम टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ यही इनटॉलरेंस है, समाज से बर्दाश्त का खत्म हो जाना। आइए बेग साहब से सवाल करते हैं। बेग साहब, आप कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए मेरी समझ से हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जमहूरी निज़ाम है, और जमहूरी निज़ाम की रूह है टॉलरेंस। समझ लीजिए कि आप अगर डेमोक्रेसी की जगह टॉलरेंस वर्ड का इस्तेमाल करें तो कोई फर्क नहीं। तो डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि हर उस राय को, हर उस इंसान को, हर उस चीज को मैं बर्दाश्त करूंगा जो मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है, या मुझे अच्छी नहीं लगती, या उससे मेल नहीं खाती। और सिर्फ बर्दाश्त करना ही नहीं है बल्कि उसमें कोई हमको तकलीफ नहीं महसूस करनी। बर्दाश्त तो आदमी तकलीफ के साथ करता है। एक्चुअली टॉलरेंस से ज्यादा एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी और मल्टी रिलीजियस सोसाइटी जो हिंदुस्तान है उसमें हमें दूसरे ओपिनियन को, दूसरे इंसान को, दूसरी तरह के इंसान को, उसकी सोच को न सिर्फ बर्दाश्त करना है, उसको सेलिब्रेट करना है, उसमें खुशी महसूस करनी है। तो खुशी महसूस करना तो लास्ट स्टेज है,
ہم تو اس وقت اس کے برداشت کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں, اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت کے. زید خالد پٹیل صاحب, دیکھیے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الگ الگ ریلیجنز کے فالوورز جب کسی جگہ پر رہتے ہیں ساتھ میں, اب ہونا تو یہ چاہیے ان میں ہیلدی ڈسکشن ہو, ہیلدی طور پہ باتیں ہوں, ہیلدی طور پر انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کی کوشش ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار کے ساتھ بنایا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کی الگ الگ رائے ہوں گے, الگ الگ بلیفس ہوں گے, الگ الگ پریکٹسز ہوں گی. اب اس سچویشن کے اندر کیسے ایک گروپ سیکنڈ گروپ کو ٹالریٹ کرتا ہے, اس کی پریکٹسز کو ٹالریٹ کرتا ہے, یا اگر یہ دیکھیں کہ اگر اس کی ویوز سے سہمت نہیں ہے, اس کے اس پریکٹس سے بھی بھلے ہی سہمت نہیں ہے, لیکن ایک اگر پلورلسٹک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جس کے اندر سارے ریلیجنز کے فالوورز ایک ساتھ میں ہیں, تو اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اگری ٹو ڈس اگری, یا تم اپنا ویو فالو کرو میں اپنا ویو فالو کرتا ہوں, اور دونوں ایک دوسرے کو ٹالریٹ کریں, یہ اس کے تعلق سے ٹالرنس ہے. اور جو ہم آج بہت افسوس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ اس کنٹری میں بہت زیادہ ڈکلائن ہوتا جا رہا ہے, اور بہت ضروری ہے کہ سارے وہ لوگ جو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں, وہ اس کے بریک لگانے کا حصہ بنیں کہ یہ بڑھتی ہوئی انٹالرنس رک جائے اور انڈرسٹینڈنگ اور ہارمونی بڑھے, کیونکہ ہمارا فیوچر اور ہماری اولاد کا فیوچر, اس کنٹری کا فیوچر بہت زیادہ ڈپینڈ ہوتا ہے اس چیز پر, کیسے ہم ہارمونیسلی اس کنٹری کو آگے بڑھاتے ہیں. اور یہ ذمہ داری ہر کسی کی ہے. جو لوگ آج انٹالرنس کو روکنے کے ایفرٹس کے تعلق سے بھی انٹالرنٹ ہے, آج کئی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ انٹالرنس کو روکنے کے ایفرٹس ختم ہو جائے, بند ہو جائے, تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے, اور یہی بات ہم سب کو غور کرنا چاہیے. ناظرین, چاروں پینلسٹ کی ڈیفینیشن سے ایک بات نکل کے سامنے آتی ہے کہ جب ہم اپنی مرضی, اپنے افکار, اپنی سوچ, اپنی فکر کے خلاف کسی کو کچھ کرتے ہوئے پاتے ہیں یا کسی کا اپیئرنس پاتے ہیں تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں, بھڑک جاتے ہیں, اسے ہم انٹالرنس مانتے ہیں, چاہے وہ سماجی پس منظر میں ہو, سیاسی پس منظر میں ہو, یا ذاتی پس منظر میں ہو. آئیے اب باقاعدہ گفتگو کو شروع کرتے ہیں, اور میں ضمیر اللہ صاحب سے پوچھوں گا. ضمیر اللہ صاحب, کہ یہ بتائیے مجھے کہ اب سے دو چار چھ مہینے پہلے تک یہ انٹالرنس نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی, یہ اچانک سے ہمارے سماج میں آ گیا, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کوئی سیاسی شگوفہ ہے, یا گراؤنڈ ریئلٹی کچھ ہے اس کی؟ نہیں نہیں, اس میں 100% سیاسی شگوفہ ہے. یہ ہمارے ہندوستان کی زمین میں ہے, یہاں پر ایک طور بھائی چارہ انسان کے خون میں ہے, اور ہم لوگ سب ساتھ رہتے تھے پہلے. لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ دیکھیے جو مظفر نگر میں ہوا, دیکھیے ایک گندا کام کسی نے کیا تو لوگ اس کو پیچھے ہٹاتے ہیں کہ ہٹیے, آپ نے گندا کام کیا, ہٹیے, آپ سے ہم کوئی بات نہیں کریں گے. لیکن گندا کام کرنے والوں کو, مارنے والوں کو, پیٹنے والوں کو, اور بھائی سے بھائی کو لانے والے کو, خون کرنے والے کو باقاعدہ آگرہ کے اندر بلا کر ان کو سمانت کیا جائے, تو یہ سوچ جب لوگ ٹی وی پر دیکھتے ہیں اور جب دیہاتوں میں اس کی چرچا ہوتی ہے, شہروں میں چرچا ہوتی ہے, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہی کام اچھا ہے جس سے سمان کیا جا رہا ہے. اچھا کام یہی ہے, لوگوں کو مارو اور سمان پاؤ. میں ابھی دادری گیا تھا جب یہ اخلاق والا میٹر پڑا, تو میں گیا, میں نے جا کے دیکھا تو پورا گاؤں کے اندر چند مسلمان رہتے ہیں بیچارے, رہنے کو جو ہوا حادثہ وہ بہت خراب حادثہ تھا. لیکن میں نے ایک بات کہی تھی وہاں پر این ڈی ٹی وی سے, میں نے کہا جس نے یہ کیا ہے, جس نے یہ آگ لگائی ہے, جس نے یہ مارا ہے, یہ آنے والے وقت کا یہاں کا ودھائک ہوگا, یہاں کے آنے والے وقت کا یہ پردھان ہوگا, آنے والے وقت کا یہ ایم ایل اے ہوگا, ایم پی ہوگا. تو جب ہم غلط لوگوں کو, غلط کام کرنے والوں کو, ان کو کرٹیسائز نہیں کریں گے, ان کو مان سمان دیں گے, تو کیا حال ہوگا ہمیں؟ آپ ضمیر اللہ صاحب, بہت بہت معافی کے ساتھ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہم نے بات کی تو مظفر نگر اور دادری پہ ہم آئے, جی جی جی, اور ہم نے یہ مانا, اتفاق رائے کیا کہ کچھ لوگ ہیں سماج میں جو یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ طور طریقے ہیں شاید گرو کرنے کے, یہ طور طریقے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ یہ آنے والے وقت کا ودھائک ہوگا. لیکن ایسے وقتوں میں ہماری سرکار کیا کر رہی ہوتی؟ دیکھیے کیا, ایک منٹ سر, کیا مظفر نگر ہماری سرکار سے مس ہینڈل ہو گیا, یا اور دادری ہماری سرکار سے مس ہینڈل ہو گیا؟ دیکھیے میں ابھی یہاں پر کیا گھٹنا کروں گا سرکار کو نہیں معلوم. دیکھیے سرکار جو کرتی ہے بعد میں کرتی ہے, ہمیں جو پہلے دیکھنا ہے کہ ہمارا عام جنتا کیا سوچتی ہے, عام جنتا کے دل میں بھاونائیں کیا ہیں, عام جنتا کے دل میں کیا, جس وقت ہم لوگ ماحول بناتے ہیں کہ وہاں پر پاکستان میں یا کہیں پر بھی ایک سیلاب آ گیا اور پھر مدد کے لیے, تو آپ دیکھیے رکشے والا بھی مدد کے لیے فوراً 2 روپے نکال کے ڈالتا ہے. جب ایک ماحول بناتے ہیں ہم پیار کا تو لوگ ادھر چل دیتے ہیں, جب ہم ماحول بناتے ہیں نفرت کا تو لوگ نفرت کی طرف چل دیتے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ جب نفرت کر کے لوگ اپنی ترقی کریں گے, لوگوں کو مار کے پی ایم اور سی ایم بنیں گے, دیکھیں تو یہ تو لائن ایک ایسی بن جائے گی, ہر آنے والا جو بھی ہوگا وہ اسی لائن پہ چلے گا. جب میں نے یہ بات وہاں پر دادری میں کہی تھی, میں نے کہا آنے والے وقت پہ یہاں کا ایم ایل اے ہوگا وہ آدمی, سندیپ سونگ جو تھے
इनका क्या था, एक मामूली से एमएलए थे जैसे हम छोटे से एमएलए, लेकिन जब उन्होंने पूरा उसके अंदर हिस्सा लिया मुजफ्फरनगर के अंदर, तो उनको बाकायदे ब्लैक कमांडो 8-8, 10-10 मिल गए, उनका भाव बढ़ गए। तो पब्लिक जो है वो असल में आज देखिए पब्लिक दिखती है, जो दिखता है पब्लिक वो उसको दिखती है। हम अगर ऐसे लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दें, नजरअंदाज कर दें, अगर जमीरुल्लाह कोई गंदा काम करता है उसको नजरअंदाज करिए, हटाइए, फिर देखिए फिर कोई आदमी कैसे आगे बढ़ जाएगा। बेग साहब, आप बच्चों को पॉलिटिकल साइंस सिखाते हैं, आप विधायक जी की बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? नहीं, बात ठीक कह रहे हैं, गलत बात नहीं है, और उस बात के पीछे जो चीज है वो ये है कि देखिए असल में नहीं, मेरा सवाल बुनियादी तौर पर यह है जो मैं विधायक जी से भी कर रहा था कि मुजफ्फरनगर और दादरी की जिम्मेदारी कौन लेगा, आवाम या सरकार? नहीं नहीं, अगर उस पर कोई एक्शन नहीं होता तो जाहिर सी बात है सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज हम इतनी दूर आके बैठे हैं, एक्शन हुआ आपको लगता है? नहीं, एक्शन नहीं हुआ, तो फिर जिम्मेदार उसके पीछे रीजन भी है, एक्शन क्यों नहीं होता डिसाइसिव, वो डिस्कशन चाहता हूं। हां, उसका रीजन मेरी समझ से देखिए ये है कि जो भी गवर्नमेंट होती है, मतलब किसी को किसी गवर्नमेंट का नाम लेने का इशू नहीं है, हम समाज की जो भी नहीं, हमारे समाज में देखिए ऐसा है कि एक मेजोरिटी कम्युनलिज्म होता है, एक माइनॉरिटी कम्युनलिज्म होता है। मेजोरिटी कम्युनिटी जो हिंदुस्तान में अराउंड 80% उनकी पॉपुलेशन है, तो हर पार्टी जो है वो डरती है, चाहे वो सेंट्रिस्ट पॉलिटिकल पार्टी हो, वो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी नहीं, वो भी डरती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसा एक्शन ले लूं जिससे मेजॉरिटी कम्युनिटी नाराज हो जाए। तो मेजॉरिटी कम्युनिटी कम्युनलिज्म को कोई स्ट्रेट इन द फेस उसको अटैक करने की हिम्मत यूजली पॉलिटिकल पार्टीज नहीं जुटा पाती। एक जमाना था जब नेहरू जैसे स्टेचर के लीडर्स थे जो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म को, इवन पटेल जो स्ट्रेट उनके फेस में कि साहब नहीं ये रिस्पॉन्सिबल है इनको एक्शन लिया जाए, आज अनफॉर्चुनेटली वैसी सिचुएशन नहीं है। तो पार्टीज जो उसको सॉफ्ट पेडल कर देती है इन इश्यूज को, जैसे अभी भी है कई लोग भागे हैं उधर उधर, उनको अरेस्ट नहीं हो रहा है, हमको आपको अरेस्ट करना हो तो अभी रातों रात अरेस्ट हो जाएंगे, तो इस तरह के लोगों को मतलब डिसाइसिव एक्शन नहीं होता है, इसलिए वो लोग और एनकरेज हो जाते हैं। मैं कहता हूं अगर डिसाइसिव एक्शन हो जाए एक्चुअली इस तरह के लोगों पे, तो फिर एक मैसेज जाएगा, जैसे अभी आप बात कर रहे थे पॉजिटिव चीज का भी मैसेज जाता है कि साहब गवर्नमेंट डिसाइसिव है और एक्शन हो रहा है, लेकिन वो लोग तो फेलिसिटेट हो रहे हैं और वो लोग एनकरेज हो रहे हैं, तो फिर दूसरे लोग भी उसको करना चाहते हैं और वो आसान रास्ता। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेग साहब ने कही, सियासी पार्टियों की अपनी मजबूरियां होती हैं और सियासत की बुनियाद उन मजबूरियों के पिलर्स पे खड़ी होती है, लेकिन सियासत के अलावा किसी भी समाज में जो सबसे मजबूत स्तंभ होता है, मजबूत खंभा होता है, वो है लॉ। और प्रोफेसर साहब, आप क्योंकि लॉ मेकर्स बनाते हैं, तो आपका तजिया क्या है कि कहीं लॉ मेकर से या जो हमारा सिस्टम ऑफ लॉ है इस इंटॉलरेंस को रोकने में उनसे कहीं कोई गलती हो रही है? नहीं, देखिए लॉ मेकर से गलती नहीं हो रही है, एक्चुअली कम्युनल राइट हो या इंटॉलरेंस हो या कहीं हंगामा हो, उसके रोकने की जिम्मेदारी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न होते हैं हुकूमत से, तो हुकूमत की जो निगाह होती है, चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो, जो उनकी निगाह होती है उसी निगाह से ऑफिसर काम करता है। हम अक्सर देखते हैं कि किसी जिले में कोई राइट हुआ वो 6 घंटे में कंट्रोल हो गया, और अक्सर देखते हैं कि उसी जिले में राइट हुआ किसी दूसरे जगह में वो 6 दिन तक कंट्रोल नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि उनको ऊपर से जैसा हुक्म मिलता है वैसे करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लॉ मेकर्स की गलती नहीं है, लॉ तो स्ट्रिंजेंट है। अगर एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर हो और ईमानदार होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हो, तो इसी कानून के तहत हम संगीत सोम और जैसे भी जो जो लोग हैं कल्प्रिट्स हैं, इनको हमेशा हमेश के लिए जेल में डाल सकते हैं। लेकिन हमारा जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है वो कानून के हाथ में नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में है, और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल हम वोट से बनाते हैं। अब जाहिर है कि जैसा अभी असमर बेग साहब ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज की मजबूरी है कि वो मेजॉरिटी को ऐसा कोई काम ना करें कि अन्वाय हो, लेकिन इससे बढ़ के बड़ी बात यह है कि अन्वाय ना हो लेकिन आप कुछ ऐसा तो काम करें, मैसेज तो क्लियर जाए, आप ये ना शो करें कि माइनॉरिटी को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन इंतजाम ऐसा कर दें कि माइनॉरिटी को कोई नुकसान ना हो। जैसे मान लीजिए अभी हुकूमत उत्तर प्रदेश की, इनको कोई ऐसा काम करे तो लोग कहेंगे साहब ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन आप सिस्टम ये बना दें, जैसे उत्तर प्रदेश में 70 जिले हैं मान लीजिए और हमारी आबादी 24.5% है, तो क्या उत्तर प्रदेश की हुकूमत बिना रिजर्वेशन लागू किए हुए ये नहीं कर सकती कि 18 जिलों के SSP DM, 18 जिले हमारा कोटा जो आप खुद नॉमिनेट कर सकते हैं, SSP, DM, DIG, थानेदार, क्या 18 जिलों के हम इस तरह से नहीं कर सकते कि वो कंट्रोल करें? अगर एक भी पुलिस वाला, मान ली 5 पुलिस वाले इनकाउंटर किसी करने जा रहे हैं, उस पार्टी में अगर ड्राइवर भी दूसरी कम्युनिटी का है तो इनकाउंटर रुक जाता है। तो इसी तरह से आप इंश्योर करें कि जहां पर ये गड़बड़ हो रही है वहां पे थाने में या SSP में, पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे लोग जरूर हों जो उसको होने ही न दें, ताकि इल्जाम ही ना आए कि मुस्लिम को फेवर कर रहे हैं हिंदू को।
आप उसको रोकने की कोशिश करें और रोकेंगे जब जब आपकी नियत होगी, नियत साफ होगी। अच्छा जैद खालिद भाई, मैं पूछना चाहूंगा, अभी डॉक्टर साहब की बातों से एक अहम बात सामने निकल के आती है कि अगर कहीं किसी जिले में कोई मुस्लिम कप्तान होगा या कोई मुस्लिम डीएम होगा तो दंगे होने के चांसेस कम हो जाएंगे, आपको लगता है क्या यह सच है? देखिए हम ये देखते हैं कि एटलीस्ट बेटर रिप्रेजेंटेशन से ये चीज थोड़ा अभी की सिचुएशन से और बेटर सिचुएशन हो सकती है, चाहे पॉलिटिकली, चाहे एग्जीक्यूटिव के लेवल पर, चाहे जुडिशरी के लेवल पर, चाहे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लेवल पर। अगर बेटर रिप्रेजेंटेशन होता है तो इस सोसाइटी में इस तरह के इंसिडेंसेस होने के चांसेस थोड़े आज से कम हो जाएंगे और जो एक बेहतर चीज होगी। फाइनली ये बात है कि यहाँ पर इस्लाम ने एक बहुत प्यारा उसूल बताया, सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनसुर अखा का जालिमन और मजलूमा, अपने भाई की मदद करो, वो जुल्म कर रहा है तो भी मदद करो, उस पर जुल्म हो रहा है तो भी मदद करो। अब सहाबा ने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो जुल्म कर रहा है तो उसकी मदद हम कैसे कर सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग तो यही थी कि जालिम की कभी मदद नहीं करनी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर जुल्म कर रहा है तो उसकी मदद करो, उसे रोक कर। तो हम अपने सारे कंट्री के ब्रदर्स को उभार रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर जुल्म हो रहा है तो उसे रोकना हमारी जिम्मेदारी है, हमें उन जालिमों की मदद करना है, हमें उनकी मदद करना है उन्हें रोक कर। और कुरान की आयत है सूरह निसा की सूरह 4 आयत नंबर 135 कि ए ईमान वालों खड़े हो जाओ इंसाफ के लिए, चाहे खुद के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े, चाहे अपने माँ बाप के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े, चाहे अपने रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े, चाहे अमीर के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े, चाहे गरीब के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े, क्योंकि अल्लाह सबकी मदद कर सकता है। तो ये इंसाफ के लिए हम सब के लिए जरूरी है कि हम इस इंसाफ को लाएं, क्योंकि अगर इंसाफ नहीं होता है तो ये जुल्म जो एक इंस्टेंस है और से दो होंगे, दस होंगे, सौ होंगे और ये चीजें बढ़ती जाएगी। जो लोग आज कह रहे हैं इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हमें मीडिया में सुनने मिलते हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई कितने सारे मर्डर के केसेस हो रहे हैं, तो वो मर्डर के केसेस में और इस केस में डिफरेंस ये होता है कि ये एक प्रेसिडेंट क्रिएट कर रहा है, इस तरह के और कई सारे होंगे अगर इस पर ब्रेक नहीं लगेगा, इस पर अगर सारे वो कॉन्शियंस वाले लोग अपनी आवाजों को नहीं उठाएंगे और इंसाफ लाने की कोशिश नहीं करेंगे, टॉलरेंस लाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आगे क्या और एस्केलेशन होने वाला है वो हम सब इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और ये कंट्री का क्या हाल होने वाला है, बहुत जरूरी है कि हम जहां डेवलपमेंट की बात करते हैं, कंट्री की ग्रोथ की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, जिससे फायदा सबका होगा, कोई एक कम्युनिटी का नहीं होगा, सबका फायदा है अगर ये कंट्री प्रोग्रेस करती है, इसमें डेवलपमेंट आता है, तो इस तरह की चीजें हमें खत्म करनी होगी और इसमें हम सबको स्टैंड लेना होगा, इसमें हम सबको अपनी भाईचारगी को खराब होने से किसी ना किसी तरह से रोकने में सोल्यूशन बनना होगा। ये बहुत जरूरी है, साइलेंट स्पेक्टेटर्स आर डेंजरस, और ये बात आज बहुत ज्यादा सही है, बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है कि जो सारे साइलेंट स्पेक्टेटर्स है या साइलेंट स्पेक्टेटर्स से आगे बढ़कर जो लोग इसमें उल्टा उस व्यू को प्रमोट कर रहे हैं या उस चीज में प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को रोक रहे हैं, ऐसे लोगों को समझना चाहिए सारी हकीकतें। बात निकल के आती है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग बर्दाश्त पैदा करें अपने अंदर और इंसाफ के साथ रहें और इंफरादियत को इज्तमाइयत पे कुर्बान कर दें। अगर कोई एक इज्तमा, कोई एक गिरोह, कोई एक ग्रुप या कोई एक मुल्क तरक्की करेगा तो उस मुल्क में मौजूद हर फर्द वाहिद भी तरक्की करेगा। लेकिन हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबीउल्लाह साहब, इससे पहले कि मैं अखलाक पे आऊँ और दादरी पे आऊँ, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ और अपने ऑडियंस को समझाना चाहता हूँ कि ये दादरी कांड असल में था क्या एग्जैक्टली, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आम तौर पे अभी एक फैशन चल रहा है इन दिनों, ये कहीं कोई भी एक शख्स उठ के बयान देता है, अगर आरबीआई के गवर्नर बयान देते हैं, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बयान देते हैं और वो ये बताते हैं कि इंटॉलरेंस है कंट्री में, कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन कोई एक शख्स जिसका नाम उसके मजहब की पहचान होता है और वो मजहब इत्तफाक से इस्लाम होता है, उस मजहब के बोलने वाले किसी भी शख्स की बहुत जबरदस्त तरीके से मुखालफत की जाती है, तकरीबन हर शख्स मुखालफत कर रहा है, ऐसा क्यों है? ये असल में जहर घोला गया, हमारे खिलाफ साजिश की गई। मैं 20-25 साल से तो सियासत में हूँ, कम से कम हमारे उस्ताद भी बैठे हुए, मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला इन लोगों से। हाँ, काफी समाज बनाते हैं लोग। हाँ, काफी नहीं जो सच्चाई है, लेकिन मैंने मुसलमानों की हालत जितनी खराब इस वक्त देखता हूँ कभी नहीं देखी। मैं आपके मन से बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ कि आज आप देखिए पूरा बिहार का इलेक्शन गुजर गया, आप देखिए पूरा दिल्ली का इलेक्शन गुजर गया। पहले मुसलमानों की कोई हैसियत हुआ करती थी, लेकिन मैं 2 साल से ये देख रहा हूँ कि मुसलमानों की हैसियत बिल्कुल इस वक्त देश में ख़त्म कर दी गई है। मैंने इलेक्शन में देखा, आज मुसलमानों का नाम लेने से लोग बच रहे हैं, आज बड़े लीडर मुसलमानों के साथ अपना फोटो खिंचवाने में बच रहे हैं। ये मैं अंदर से महसूस करता हूँ, मैं महसूस करता हूँ। वजह क्या है कि इतना अजीब गरीब माहौल इस इलेक्शन के, जो हमारा MP का इलेक्शन हुआ, इतना अजीब गरीब माहौल करा गया कि सिर्फ और सिर्फ सब बिरादरी बात सब खत्म, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही बात करनी है और लोग उसमें कामयाब भी हुए। तो देखिए जहाँ कामयाब लोग होते हैं फिर लोग उसी लाइन पे चलते। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, देखिए लोग किसी की कामयाबी को फॉर्मूला बना लेते हैं। हाँ, आज मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं समाज में रहता हूँ,
دیکھیے ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں میں آپ کو، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ہمارے علی گڑھ سے 35 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے چھرہ، چھرہ کا ایک گاؤں ہے بڑی بائی، وہاں 85% مسلم رہتے ہیں، اور ان کا صرف کاروبار یہ ہے کہ وہ بکرے پالتی، اور ایسے بکرے پالتی جن کی قیمت 1.5-2 لاکھ روپے کی ہوتی ہے ایک ہی بکرے کی، وہ قربانی کے لیے بکرے تیار کرتے ہیں، اور اس میں بہن بیٹیاں کام کرتی ہیں، باقاعدہ لڑکیوں کے نام سے وہ بکرے پالے جاتے ہیں، اور بقرعید کے بعد بیچنے کے بعد میں ان کی شادی کی جاتی ہے بچیوں کی، بقرعید کے بعد مکان بنایا جاتا، بقرعید کے بعد ہی زمین خریدی جاتی ہے، وہاں پر جو گاؤں میں کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ بقرعید کے بعد ہوتا ہے، ان کا مین بزنس ہی 200 سال سے یہی ہے کہ بکری پال کر خوبصورت خوبصورت قربانیوں کے بکری تیار کر کر اور بمبئی لے جانا، جیسے کسان فصل کے بعد، کسان فصل کے بعد ان کا مین کاروبار یہی ہے۔ لیکن اس مرتبہ کیا ہوا، 365 بکرے لے کے وہ گئے گاؤں والے، 4 ٹرک کے اندر 365 بکرے 1.6 کروڑ روپے کے، 1.6 کروڑ علی گڑھ سے لے کے گئے، عید سے 4 دن پہلے نکلے علی گڑھ سے، اور وہ دوسرے دن داؤد پہنچے گجرات کے اندر، صبح 8 بجے داؤد میں ان کو روک لیا گیا، ایک تھانہ ہے رولر تھانہ، رولر تھانہ ہے داؤد کے اندر، وہاں پر آر ایس ایس کے لوگوں نے ان کو روک لیا اور ان کے ساتھ مار پیٹ کری، اور ان کے بکرے سب اتار لیے گئے، ان کو بند کر دیا گیا، اور بکرے ایک سنستھا میں بھیج دیے گئے سب۔ 3 دن تک وہ کوشش کرتے رہے ہم لوگوں سے ملے، ہم نے دلی میں جو پٹیل صاحب ہیں ان کا کیا نام ہے، جو کانگریس، احمد پٹیل صاحب سے بات کری، احمد پٹیل نے کہا میرے ایک چھوٹے بھائی ہیں ایم ایل اے، ان سے بات کر لیجیے وہ آپ کی مدد کریں گے۔ ہم نے ان سے کہا یہ بہت غریب لوگ ہیں، ان کی بہن بیٹیوں کی شادی ذریعہ یہی ہے بکرے، اور بکروں میں کوئی پابندی تو ہے نہیں، انہیں آپ کیوں مطلب ان کو لوٹا مارا پیٹا۔ ان کے پاس 4.5 لاکھ روپے جو اس ٹرک والوں کو دیتے کرائے کے وہ چھین لیے گئی، اور تھانے بند کر دیا گیا، 4 دن بعد ان کو جیل بھیج دیا گیا، ان بکرے کہیں اور بھیج دیے گئے، کیس کورٹ میں پہنچ گیا، ڈیٹ آ گئی، کورٹ نے 5 تاریخ ڈال دی، عید نکل گئی، عید 2 تاریخ کی تھی بقرعید، اب وہ بکرے کسی مطلب کے نہیں رہے، وہ بکرے آج بھی احمد آباد کے اندر ایک سنستھا کے اندر پڑ ہوئی، کتنے مرے کتنا زندہ رہے ابھی تک کچھ پتہ نہیں، وہ بیچارے سب کے سب کسان، 24 کسان تھے، 24 کے 24 علی گڑھ آ گئے، روتے پیٹتے رہے، ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو دیکھیے آج جہاں حالات یہ ہو کہ صرف نام سے چڑ ہو رہی ہو کسی کو، لباس سے چڑ ہو رہی ہو کسی کو، ٹوپی سے چڑ ہو رہی ہو کسی کو، داڑھی سے چڑ ہو رہی ہو کسی کو، ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا گیا کہ صرف اور صرف اگر مجھے کوئی لوگ نہیں جانتے، میں ضمیر اللہ نہ ہو کر رامو اور شامو بن جاؤں تو مجھے ناشتہ بھی ملے گا، چائے بھی ملے گی، کھانا بھی ملے گا، مجھے عزت بھی ملے گی، اور میں نے جہاں بدل دیا ضمیر اللہ، یہ سب جگہ نہیں ہے پوزیشن، یہ سب جگہ نہیں ہے، زیادہ لوگ نہیں ہیں، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ ملک کے اندر سبھی خراب ہو گئے، لیکن وہ تھوڑے سے لوگ اتنے حاوی ہیں میجورٹی پر کہ بس، وہ بیچارے بولتے نہیں ہیں، وہ تھوڑے سے لوگ اپنی حکومت چلا رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہر کام پر ان کی ٹپڑی ہوتی ہے، ان کے ہر کام کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو میرا کہنا مطلب یہ ہے، آج حالت یہ ہے وہ گاؤں کے لوگ بھوک کی کگار پر ہیں، 1.6 کروڑ کے بکرے بہت ہوتے ہیں غریب آدمیوں کے لیے، جی جی بالکل، ایک ایک آدمی کے بکرے 16-16 لاکھ روپے کے ہیں، 14-14 لاکھ روپے کے ہیں، 8-8 لاکھ روپے کے ہیں، اور سال بھر کی محنت لگی ہوئی ہے، سال بھر کی محنت لگی ہوئی ہے، وہ تو بالکل تباہ برباد ہو گئے، رشتے چھوٹ گئے بچیوں کے، سال بھر کی محنت ہے اور کئی سالوں کے خواب ہیں۔ میں ہماری ذمہ داری اتنی اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ نفرتیں جب آتی ہیں تو مجھے یہ پتا ہے کہ ہم سب اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، اور اسلام وہ دین ہے جس نے امن اور پیار اور محبت اور سچائی سکھائی ہے، اور جب یہ حقیقت ہے تو جب بھی ایسے ایڈورس سرکمسٹانسز پیدا ہوئے ہیں، ویسے ایڈورس سرکمسٹانسز میں اگر ہمارا ریئیکشن صرف صحیح ہو جائے، اگر ہم مسلم ایز اے مسلم امہ، ایز اے مسلم کمیونٹی، سارے مسلمان یہ ذمہ داری کو محسوس کریں کہ ہمیں ریچ آؤٹ کرنا ہوگا، ہمیں آج اپنی کیپیسٹی سے آگے بڑھ کر ریچ آؤٹ کرنا ہوگا، لوگوں سے ملنا ہوگا، لوگوں سے بات کرنا ہوگا، انہیں اسلام کیا سکھاتا ہے اس کے تعلق سے ایجوکیٹ کرنا ہوگا، کیونکہ وہ لوگ نفرت کر رہے ہیں اسلام سے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی نفرت بھی کرنا ہے تو کس سے نفرت کر رہے ہو وہ معلوم تو کرو، اسلام آخر میں سکھاتا کیا ہے۔ تو یہ اگر ہم صرف ریچ آؤٹ کریں اس سچویشن میں، تو یہ پورے کی پوری جو فورس اینٹی لگائی جا رہی ہے وہ فورس پرو بن جائے گی۔ کیسے پرو بن جائے گی؟ یہی ایک پاور ہے ٹروتھ کا، سچائی کا، کہ سچائی جب آتی ہے تو زحق الباطل باطل مٹتا ہے، یہ حقیقت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس سچویشن میں ہماری پوری کمیونٹی ایک رسپانسبلٹی کو پہچانے کہ ہمیں ایکسٹرا ایفرٹ ڈال کر ایسے لوگوں سے ریچ آؤٹ کر کے ملنا ہوگا، بات کرنا ہوگا، کریٹ کرنا ہوگا انڈرسٹینڈنگ، اور ان کے سامنے رکھنا ہوگا کہ دیکھو تمہارا میرا مالک ایک ہی ہے، ہم سب ایک ہی مالک کے بنائے ہوئے کریشن ہیں، اور ہمارا میسج تو یہی ہے کہ ہم سب کے سب کیوں نہ صرف اسی کی عبادت کریں،
और हम सब उसी के बंदे हैं, उस बात के एहसास के साथ जिए कि मर के उसके सामने अगर हमें खड़े रहना है, ये बात अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो ये सारी नफरतें बहुत जल्द कुरान की आयत है कि बन जाएंगे दोस्त, दुश्मन बन जाएंगे दोस्त, ये बात एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सिर्फ हाईलाइट करना महसूस करता हूँ। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात खालिद पटेल साहब कह रहे हैं, और मुझे याद आ रहा है मैंने अभी पिछले दिनों एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि कोई एक लेडी यूरोप में कहीं किसी एक मस्जिद या किसी एक मदरसे के सामने आके खड़ी हो जाती है जो इस्लाम के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, प्रोटेस्ट करती है, बहुत सारे स्लोगन्स लेके खड़ी हो जाती है, लेकिन उस मस्जिद या उस मदरसे से निकलने वाला हर मुसलमान उसके करीब आता है और उसके हेट्रेड का, उसकी नफरत का जवाब मोहब्बत से देता है, और इस हद तक देता है, इस हद तक देता है कि उसके दिलो दिमाग से वो नफरत, वो हेट्रेड खत्म हो जाती है, हत्ता कि वो औरत रोने लगती है और वो बाकायदा फिर ये बयान देती है कि मैं नहीं समझती थी कि ये कम्युनिटी इतनी अच्छी है। मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, लेकिन संदानी साहब सवाल मेरा आपसे है कि इस तरह के केसेस में, इस तरह के वाकयात में हमारे लॉ मेकर्स क्या करते हैं? यानी मेरा कहने का मकसद ये है, इससे पहले कि आप ये कहें कि जब तक सामने कुछ ना आए कैसे किया जाए, जो एक हम सुनते हैं हमेशा से कि अदालत ने खुद संज्ञान लिया, वकीलों ने कोशिश की, वो सब कुछ ऐसे केसेस में क्यों नहीं होता? इतनी बड़ी बात है, एक पूरे गांव के एक साल की मेहनत और कई सालों के ख्वाब रास्ते में कुछ इर्रेस्पॉन्सिबल लोगों ने तबाह कर दिए, छीन लिया उनसे और उन्हें रोने के लिए छोड़ दिया। ना हमारा मीडिया, ना हमारी अदालतें किसी के सर पे जो नहीं रहेंगी, किसी को खबर ही नहीं हुई। देखिए, जहां तक मीडिया का ताल्लुक है वो हमसे ज्यादा आप जानते हैं। नहीं जी, मैं उसी हवाले से कह रहा हूं। लेकिन जो कानून की बात है, कानून का जो प्रोसीजर है, मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि कानून अपना काम जब करेगा, लॉ मेकर में ही आप अदालत की अगर आप बात कर रहे हैं तो अदालत तो जब उसका संज्ञान लेगी, उसका नोटिस लेगी, जब उसके पास केस पहुंचेगा। सर हम जिस दौर, माफी मैं आपकी बात काट रहा हूं, हम जिस दौर में जिंदा है हम वहां देख रहे हैं, मीडिया के ताल्लुक से हम देख रहे हैं, लोगों को देखते हैं, ये हेटेड फैलाने वाला जो ग्रुप है, कहीं कोई एक शख्स एक हरकत करता है और उसी गिरोह में से उनका कोई लॉ मेकर निकलता है और कहीं एक PIL दायर करता है और उसको हिंदुस्तान के दूसरे कोने पे बुला लेता है। क्या हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं है, या इस कौम के पास ऐसे लोग नहीं है कि जो इस तरह के वाकयात को संज्ञान में लें और जाके अदालतों के दरवाजे खटखटाएं? इसी बात पे आ रहे थे भी कि अदालत में जब केस पहुंचेगा, इस तरह के केस में कि बकरे पकड़ लिए गए, उनको पकड़ लिया गया, तो ये काम पुलिस से शुरू होगा और अदालत में जाएगा। और जो बात आपने दूसरी की कि हमारा कोई आदमी बयान देता है तो पकड़ लिया जाता है, हमारी किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ या चैनल के खिलाफ ये फौरन लोग चले जाते हैं, उसकी दो वजूहात हैं। एक तो बड़े तौर पे, बड़े लेवल पे हमारे यहाँ सोशल सर्विस की कमी हो गई है। आपको साउथ की बात नहीं कर रहा हूँ, साउथ और नॉर्थ को दो मानिए आप अलग अलग। सोशल सर्विस का जज्बा नॉर्थ में तकरीबन ना के बराबर है, और सोशल सर्विस करने वाला मुसलमान बेवकूफ समझा जाता है, जिसका एक जीता जागता सबूत मैं आपके सामने हूँ। हमारे सामने के लोग कहाँ से कहाँ चले गए, पलटनी बिल्कुल सही बात बता, हर शहर में आपको 10-20 ऐसे मिलेंगे जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, सलाहियत भी थी लेकिन सोशल वर्क और मिली वर्क की वजह से वो जीरो हो गए, क्योंकि न उनके पास गनर है, न पावर है, न पैसा है। और तीसरी बात क्या है, हमारे यहाँ लॉ की तालीम के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इसीलिए मैंने 7-8 साल से इस बात की कोशिश की है कि अपनी पब्लिक स्पीच में मैं ये कहता हूँ कि हम जिस तरह से डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं MBAs, उसी तरह से हमको अपने अच्छे बच्चों को भी एक आध लॉ में डालना चाहिए। ये सेगमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी भेजिए, क्योंकि इसमें दोनों चीजें, दीन भी है, दुनिया भी है, आप इसमें पैसा भी कमा सकते हैं, स्काई इज द लिमिट, और उसके साथ साथ आप चाहें तो कौम की भी मदद कर सकते हैं और मुल्क की भी, क्योंकि मुल्क को अच्छे वकील की भी जरूरत है, अच्छे जज की भी है। और मैं समझता हूं कि ये बात आनी चाहिए, क्योंकि हर जगह हमारा जरा सा कोई आदमी उभरता है उसको फंसा देते हैं, हमारा कोई अच्छा इदारा होता है 10 उस पर, जैसे अभी आपने कहा 10 चीजें उस पर डाल दी जाती है, फंस जाता है। हमारी तरफ से बाबरी मस्जिद में भी पैरवी करने वाले दूसरे लोग, शाहबानों में भी पैरवी करने वाले दूसरे लोग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस पेंडिंग इलाहाबाद में था, आप दिल्ली में है माइनॉरिटी कैरेक्टर का, उसमें भी दूसरे लोग। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लॉ की अहमियत को समझें। हम चूंकि लॉ की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं, इस वजह से ना हमारे पास क्वालिफाइड वकला है, ना जजेस हैं। और एक बात जो अभी हमारे MLA साहब ने कहा, जो अलीगढ़ का ये वाकया है बकरे वाला, उसमें लॉ मेकर्स और हुकूमत की जिम्मेदारी तो जो है वो है। मैं समझता हूं कि अगर लोग हसास होते सिर्फ अलीगढ़ जिले में, तो अलीगढ़ में इतने बड़े बड़े लोग हैं कि 1.60 करोड़ नहीं, 160 करोड़ रुपया करके दे सकते, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। क्यों? कि मिल्ली जज्बा और इसका कुर्बानी का जज्बा नहीं है, जबकि उनको ये याद रखना चाहिए मुसलमान है कि कुरान में कहा गया है कि अगर किसी ने एक जर्रे के बराबर भी नेकी की है तो अल्लाह उसका अजर देगा। किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, करोड़पति अरबपति लोग हैं जिनके पास गाड़ियां रखने तक की जगह नहीं है, उन्होंने भी अपना हाथ नहीं बढ़ाया।
तो कम्युनिटी लेवल पे भी कुछ होना चाहिए, सब चीजें सरकारों पर ना छोड़े, कम्युनिटी लेवल पे भी कुछ। जी कम्युनिटी लेवल पर एजुकेशन हासिल करना, ऐसे केसेस को कम्युनिटी रिस्पांसिबिलिटी समझ करके इसे डिफेंड करना, फाइट करना, जर्नलिज्म के तौर पर न्यूज में, प्रेस में, मीडिया में ऐसी चीजों को हाईलाइट करना ताकि इंसाफ वाले लोग जहाँ कहीं है, जिस किसी कम्युनिटी में है, वो सब इसकी अहमियत को समझ कर, पहचान कर ऐसी चीजों को सपोर्ट करें। तो ये रिस्पांसिबिलिटी अगर कोई नहीं करेगा तो सबके सब जिम्मेदार है, एक तरह का फर्ज किफाया है कि अगर ये कोई नहीं करता है तो सबके सब इस्तेमाल, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, जिम्मेदार है कि प्रॉब्लम सोसाइटी में आ रही है। ऐसे केसेस तो होने चाहिए कि हम अपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी को, मिली रिस्पांसिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि कोई दूसरा आदमी कर दे, दूसरा कर दे कम्युनिटी लेवल पे। क्या साउथ में भी तो लोग हैं, साउथ में जुल्म होता है तो कैसे करते हैं? साउथ में चेन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, मदारिस की चेन है, लड़कियों के कॉलेजेस हैं। हमारे यहाँ देख लीजिए, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे पूरा नॉर्थ इंडिया तकिया किया बैठे हुए है कि हर आदमी यही पढ़ेगा, और जो सीट 50 साल पहले थी वही सीट आज भी है। कब तक हम सिर्फ ये बातें करते रहेंगे? कब जाकर हम कुछ रियल एक्शन लेने वाले हैं? मैं समझता हूँ जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस चीज के दर्द को महसूस करके अगर सोल्यूशन का हिस्सा ना बने तो ऐसे चीजें हो सकता है आगे के दिनों में और एस्केलेट होती जाएगी, और हम अगर सिर्फ साइलेंट स्पेक्टेटर बने रहे तो हम बहुत बड़े जिम्मेदार खुद भी है इस ताल्लुक से। नाज़रीन, बड़ी अच्छी अच्छी बातें निकल के आ रही हैं सामने, और मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि मैं आपसे कहूं, आपको पैगाम दूं कि अगर हम खाने की टेबल पे बैठे हैं और ये कहते रहे कि हमने खाना खा लिया तो हमारे पेट में कुछ नहीं जाता, शायद बहैसियत कौम हम ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। हमें दूसरों से उम्मीद है, हम किसी आसमानी मौजे के इंतजार में है कि कोई मौजा होगा, कहीं से कोई नूर की एक किरण आएगी जो हमारी पूरी की पूरी कौम को आला अरफा बना देगी, हम सब पढ़े लिखे लोग हो जाएंगे, हम सब जज और वकील हो जाएंगे और हम सब दुनिया को रूल करना शुरू कर देंगे। कौमें इस तरह से रूल नहीं करती। डॉक्टर इकबाल ने कहा है कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो दोस्तों, जरूरत है कि हम बहसियत कौम अपने तो बने, जरूरत है हम, हमारी ये मुफक्किरीन हमें समझा रहे हैं कि हमारी कमियां क्या है, हमारे मुफक्किरीन हमें समझा रहे हैं कि हमने कहाँ कहाँ लैक किया है। हम अपने यहाँ वकील अच्छे पैदा नहीं कर रहे, हम अपने यहाँ अच्छे जजेस पैदा नहीं कर रहे, हम अच्छे स्कॉलर अपने यहाँ पैदा नहीं कर रहे, हम भी किसी उस भेड़ चाल का हिस्सा है जो सिर्फ इक्तसादियात की तरफ दौड़ती है, जो अपने इनफरादी मामलात और मसाइल को हल करने में लगी हुई है, उससे कौमों की हालतें नहीं बदलती। शर्म की बात है कि हमारे मसाइल हल करने के लिए अदालतों में वो वकील खड़े हैं जो हमारे मसाइल जानते और पहचानते ही नहीं। उसके लिए जिम्मेदार कोई सरकार नहीं हो सकती, कोई पार्टी नहीं हो सकती, कोई सियासत नहीं हो सकती, बल्कि बहैसियत कौम हम ही हो सकते हैं। आइए जैद भाई से हम पूछें। जैद भाई, ये बड़ी अच्छी बात अभी गुफ्तगू में निकली, डॉक्टर समदानी ने कहा कि हमारे यहाँ मुसलमानों में खास तौर पे सोशल वर्क का फुकदान है, रुझान ही नहीं है सोशल, जबकि इस्लाम की बुनियाद सोशल वर्क है। अगर आप सड़क से गुजर रहे हैं, मैंने आपकी किसी तकरीर में सुना है, सड़क से अगर आप गुजर रहे हैं और वहाँ रास्ते में कोई हर्डल है, कोई पत्थर पड़ा है, उसे उठा, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी गाड़ी या साइकिल या पैदल जिस तरह भी है रुक जाएं और उसे उठा के फेंक दें, रफे आम के लिए रास्ता साफ करें। तो ये कितनी छोटी सी बात है लेकिन कितना बड़ा सोशल वर्क। मैं बिल्कुल सहमत हूँ समधानी साहब की एनालिसिस से कि नॉर्थ एंड साउथ में इस चीज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इतना बड़ा डिफरेंस देखा जाता है जैसे कि दो सेपरेट कंट्रीज ही क्यों ना हो। जैसे मुसलमानों की बात हो रही है तो मुस्लिम रिएक्शन अगर देखा जाए कि एज अ कम्युनिटी हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं, और ना समझ पाने की वजह से बहुत सारी नफरतें जो पैदा होती है ना, ये जो इरप्ट आउट होती है, ये कहीं अंदर अंदर पैदा होती है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इरहमो मन फिल अर्द यरहमो को मन फिस समा, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और जब आसमान वाला हम पर रहम करेगा तो यकीनन हमारे हालात ऐसे नहीं होंगे जैसे अभी होते जा रहे हैं। आसमान वाले के रहम की कमी हम पर है जो दिख रही है, क्योंकि हम शायद जमीन वालों पर उतना रहम नहीं कर रहे हैं जितना कि हमें करना चाहिए। तो जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए निकाला गया है। तो हमारा एग्जिस्टेंस जो है ना, वो सिर्फ खुद की खुद जीने के लिए नहीं है। और मैं इस बात के ताल्लुक से भी महसूस करता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो केपेबल है, आज बहुत सारे लॉयर्स हैं, बहुत सारे केपेबल लोग हैं हमारे पास, अपने इंटेलेक्चुअल तबका हमारे पास भी है, ऐसा नहीं कि हम टोटली फुकदान है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके अंदर केयर नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर खुद की जिंदगी जीने में है, और एक तरह की सेक्युलर टाइप की थिंकिंग लोगों में पैदा हो जाती है जो सही नहीं है। तो उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है। तो हमें यहाँ ये करना चाहिए, और इमेजिन करिए एक सिनेरियो कि हर गांव-गांव में वहां का जो मुस्लिम है वो सबसे एक्टिव बंदा है लोगों की खिदमत करने में, क्योंकि उसे पता है कि ईमान के कई सारे ब्रांचेस होते हैं, और सदका जो किसी रास्ते से कोई चीज को हटाना, ये भी एक तरह का ईमान का ब्रांच है, एक तरह का सदका है। तो हम देखते हैं कि अगर हर मुस्लिम इसमें इन्वॉल्व हो तो क्या फीलिंग्स लोगों के दिलों में होगी हमारे लिए, नंबर वन। नंबर दो, ऐसे टाइप के केसेस हो तो केसेस होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे टाइप के डायलॉग्स इनिशिएट करने चाहिए जगह जगह पर, कम्युनिटी लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर, विलेज, गांव, टाउन, सिटी, हर लेवल पर ऐसे टाइप के डायलॉग्स इनिशिएट करके हमें ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना चाहिए। ये हो गया, बहुत बुरा हुआ, लेकिन आगे ताकि ना हो तो हमारा इसमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन है?
जैसे हम देखते हैं पुलिस कई कई जगहों पर मोहल्ला कमिटीज का फैसिलिटेशन करती है ताकि लोग बैठ के आपस में बात करें, एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करें। तो हमें इस तालुक से कुछ करना चाहिए, और खास तौर से जो पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे पास हो, तो मैं आम तौर पर हमारे कंट्री के तमाम लोगों को बहुत उभारना चाहता हूं कि हम किस तरह के लोगों को सिलेक्ट करते हैं अपनी कंट्री को लीड करने के लिए, अपनी कम्युनिटीज को लीड करने के लिए। भाई हमारा सिलेक्शन जिस बुनियाद पे होगा हमें रिजल्ट भी वही मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्या है कि लोगों में एक मिजाज है कि भड़काऊ किस्म के भाषण देने वाले लोगों को लोग बहुत ज्यादा नॉमिनेट करते हैं, उनको बहुत ज्यादा इंपावर लाते हैं। हालांकि होना चाहिए उनके अंदर इंट्रिंसिक वर्थ क्या है, उनकी खिदमत क्या है, उनका सोशल सर्विस रिकॉर्ड क्या है। तो ये चीज देखकर अगर हम करेंगे तो हमारे पास एक सही टाइप की पॉलिटिकल लीडरशिप भी आएगी, जो ऐसे टाइप के इश्यूज को उठा उठाकर लोगों को झगड़े करवा करके कंट्री को बैकवर्ड करके, कंट्री को बैकवर्ड होती है होने दो, दे वांट पावर, उनको पावर में रहना है किसी ना किसी तरह से। तो ये इस तरह के लोगों को हमें अवॉइड कैसे करें वो भी हमें सोचना। अच्छा जैद भाई, इस हवाले से मैं अपना जाती एक्सपीरियंस आपसे शेयर भी करना चाहता हूँ, सवाल भी पूछना चाहता हूँ। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा और मैंने बड़ा इत्तेफाक किया उस बात से कि हमारे यहाँ वकीलों की कमी है। मेरे कोई रिलेटिव है, उनके यहाँ अजीब वाकया हुआ, उनका बच्चा वकील है, उन्होंने बड़ी मेहनत से पढ़ा लिखा के उसको वकील बनाया, और इत्तेफाक से उस बच्चे को, उस लड़के को एक लड़की पसंद आई जो देवबंद से ताल्लुक रखती थी, देवबंद के किसी आलिम की बेटी थी। उनके उसने वालदा से कहा, वालदा वहाँ रिश्ता लेके गई शादी करने के लिए, और वहाँ लोगों ने उनको बाकायदा ये इनकार कर दिया कि हम वकील से शादी नहीं करते। हम बात कर रहे हैं हमारे एक इस्लामी माहौल की या इस्लामिक उलमा के माहौल की। उन्होंने एक वकालत के पेशे को इन जर्नल, मैंने ऐसा देखा है, डिस्कार्ड किया हुआ है कि ये तो झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ का कारोबार करने वाले लोग हैं, ये हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इन्हें अपनी बेटियाँ नहीं देते, बाकायदा ऐसा हुआ। तो ये क्या मिथ है, या इसकी इस्लाम में कोई जगह है, या इस्लामी स्ट्रक्चर में ये मान लिया जाए कि ये जो हमारे हिंदुस्तान में अदालती और अदालती निज़ाम है और इनकी पैरवी करने वाले जो वकील हैं वो हमें सारी जिंदगी बाहर से लेने पड़ेंगे। कुरान की आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया, तावनु अलल बिर्रि व तक्वा, नेकी और भलाई के कामों में ताउन करो, वला तावनु अलल इस्मी वल उदवान, गुनाह और नाफरमानी के कामों में ताउन मत करो। अब एक लॉयर है जिसे पता है कि ये मेरा जो क्लाइंट है ये सचमुच कल्प्रेट है, ये सचमुच मर्डरर है, ये सचमुच रेपिस्ट है, और अगर वो कहे मेरा तो ये प्रोफेशन है, तो हम देखते हैं कि इस तरह का काम अच्छा नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि एक तरह का ताउन हुआ। वो उस मर्डरर को अपने मर्डर की सजा ना पाने में एक तरह का ताउन और कॉपरेशन कर रहा है। तो यहाँ पर एक कॉन्शियंस की बात है, प्रोफेशन खुद गंदा नहीं है, प्रोफेशन का गलत इस्तेमाल खराब हो सकता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि चाहे जिस किसी प्रोफेशन में एक इंसान है, इस्लाम ने एक्सीलेंस सिखाई है, और जब एक्सीलेंस होती है तो हम अपने टर्म्स पे काम कर सकते हैं। अगर कोई भी फील्ड के अंदर हम एक्सेल करें तो हम मोहताज नहीं रहते हैं। हम अगर उस फील्ड के अंदर अपने अंदर एक्सेलेंस पैदा करें तो यू आर द मोस्ट सॉट आफ्टर लॉयर, तो आप अपने टर्म्स पे काम कर सकते हैं, केस को समझ सकते हैं, केस समझने के बाद अगर उसके अंदर वर्थ लगती है तो जी जान लगा डालो, और अगर नहीं है, या अगर कभी कभार ऐसे होते हैं कुछ ग्रे मैटर्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ फैक्ट्स को प्रेजेंट करना होता है बिफोर द जज, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम किसी भी मैटर में जज मत करना जब तक दोनों साइड को ना सुन लो। तो वो चीज में ये सिर्फ ऐसा कर रहा है ऐसे ग्रे मैटर के अंदर कि ही इज प्रेजेंटिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस सो दैट जो मोस्ट इन्फॉर्म्ड पर्सन है वो उस चीज के अंदर सही डिसीजन ले पाए। तो हम ये देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल चीज है जो उस लॉयर को अपने तौर पर सही इस्तेमाल कर। रिश्ते में जो बात आई है मैं उस पर भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने इस बुनियाद पर रिजेक्ट किया कि साहब ये लीगल प्रोफेशन में है। तो देखिए जहां तक लीगल प्रोफेशन का ताल्लुक है, आम तौर पर बहुत से थिंकर्स ने और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में जो जो बातें कही हैं उस हिसाब से तो उन्होंने किया। लेकिन जैसा कि अभी आपने ये कहा कि चाहे कोई प्रोफेशन हो, बिजनेसमैन हो, इवन की प्रीचर्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ लोग उसको बिल्कुल सही कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। तो हमें इसमें ये देखना है कि हमारे पास ना क्वालिटी है ना क्वांटिटी है, और हम ये चाहेंगे कि जैसे हर आदमी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छा हो जाए, वो नेक बने, इसी तरह हम अपने, मैंने पहले ही कहा कि अपने कॉम्पिटेंट बच्चे को डालें, और बच्चे की अगर घर पे तरबियत सही है, अगर बच्चे को हमने अच्छी तरबियत दी है तो इंशाल्लाह वकील बनने के बाद भी वो एक्सेल करेगा और इस बात की कोशिश करेगा कि उन्हीं केसेस को लें जो सही हो और जिससे लोगों का फायदा हो। अदरवाइज ये फील्ड सबके लिए खुली बेईमानी की। हर प्रोफेशन में आपको ईमानदार भी मिलेगा, बेईमान मिलेगा, और दूसरी बातें भी मिलेंगी आपको। ऐसे ऐसे बेईमान मिलेंगे कि वो सोचते हैं कि अगर बेईमानी ना करते तो कुछ ना होता, और ऐसे ऐसे ईमानदार मिलेंगे वो कहते हैं हमें बेईमानी की जरूरत ही नहीं, हमें ईमानदारी से अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि लीगल प्रोफेशन को आप अपनाएं, क्योंकि यहाँ तादाद भी कम है आपकी, क्वालिटी भी नहीं है, और कॉलेजेस भी नहीं हमारे पास है। बाकी अगर आपका अपना अच्छा कॉलेज है तो उस बच्चे को ये बताएंगे कि हराम हलाल का क्या फर्क है तुम्हें, तुम अच्छे काम करो, तुम एक्सेल करो। एक्सेल करने के बाद तो अपने टर्म्स में, जैसे आपने कहा, अपने टर्म्स पे आदमी कर सकता है। एक्सेलेंस भी चाहिए और कैरेक्टर तो हमें बिल्डअप करना ही, अपने बच्चों का कैरेक्टर की खराबी से नॉर्थ इंडिया में गड़बड़ है।
हमारे बच्चे जो बहुत अच्छे निकल रहे हैं देखिए गड़बड़ हो जाते हैं। इकरा के साथ इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, यस बिल्कुल सही, अपने रब के नाम से। उसके अंदर पढ़ना तो आज बहुत सारे लोग करना शुरू कर दिए लेकिन रब को भूल कर पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो बहुत जरूरी। लेकिन हकीकी बरकत जो है वो सिर्फ हलाल कमाई में है, वो हराम चीज के अंदर जो चीज आएगी वो ढील है, बरकत नहीं ढील दिखेगा, नहीं ढील है, अल्लाह की तरह से ढील है, बेवानों को दी जाने वाली ढील है। कह दिया गया रस्सी दराज की जा रही है तो वो रस्सी दराज है, वो बरकत नहीं है। लेकिन बहुत खूबसूरत और अच्छी बात नाज़रीन निकल के ये आती है कि आप वकील बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, राइटर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, लेकिन उससे पहले अगर आप एक अच्छे मुसलमान हैं, अपनी औलाद को एक अच्छा मुसलमान बनाया है, प्रैक्टिसिंग मुसलमान बनाया है, तो फिर उसके लिए कोई पेशा बुरा नहीं है। वो अपनी शर्तों पर डॉक्टर बनेगा, वो अपनी शर्तों पर वकील बनेगा, वो अपनी शर्तों पर राइटर बनेगा, वो अपनी शर्तों पर बिजनेसमैन यानी कारोबारी आदमी बनेगा और इस्लाम को प्रैक्टिस में रखेगा, तो इनमें से कोई भी बुराई उसके करीब नहीं आएगी, बल्कि इन पेशों को नोबल बना देगा, इन पेशों को इतना मुतबर्रिक और मुबारक बना देगा कि लोग उसकी मिसालें दिया करेंगे। आइए अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं और जमीउल्लाह साहब से मैं जानना चाहूंगा, इन ब्रीफ, ये दादरी है क्या, इसका सच क्या है? मैं आपको बताऊंगा इसका सच क्या है। इसके बारे में बहुत सारे वहमें, अफवाहें, लोगों की जबानों से उड़ाए गए और बनाए गए सच और झूठ बहुत सामने आ चुके, लेकिन क्योंकि आपका ताल्लुक यूपी से है, यूपी की सियासत से है और यूपी में आपकी पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के पास सबसे ज्यादा सच्चे सच होते हैं। आपके नेताजी तीन सच रुपए बैठे हैं, तीन नाम देखिए, मैं आपको आपके पास जितना सच है वो बताइए जिससे कि हम जान सकें। आपकी उस बात का जवाब दूंगा, लेकिन अभी बात चल रही थी, खालिद साहब बता रहे थे कि हमें अपने बच्चों के लिए अच्छे तालीम देनी है। देखिए आज मैं जहाँ रहता हूँ बहुत सी प्रॉब्लम इतनी बढ़िया है और अजीब गरीब है, हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, बहुत अच्छा प्रोफेसर बनाते हैं, लेकिन हम अच्छा इंसान बनाने की कोशिश नहीं करते। जैसे आपने कहा, अभी भी एक बात आई थी निकल के, हमारे उस्ताद ने कहा था कि कोई अधिकारी अगर मुसलमान होगा तो ज़रा उससे हेल्प मिलेगी मुसलमान होगा। मैं इस पर बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, मैं ये चाहता हूँ मुसलमानों की मदद होनी चाहिए लेकिन मेरे बेटे के जरिए ना हो, इनका बेटा करे। देखिए ऐसा ये पॉपुलर बिलीफ है, नहीं नहीं ये लोग कहते हैं लेकिन ऐसा है नहीं, नहीं ऐसा ही है, नहीं नहीं बिल्कुल। मैं सुबह 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 दे दूंगा, इतने ऑफिसर मिल जाएंगे जो काम करना चाहे, लेकिन वो भी तो अपने बड़ों को देख रहे हैं कि वो भी नेताजी के सामने खड़े हैं, ऊपर से नीचे तक मैं सुबह देता हूँ। देखिए जैसे कि बकरों वाला मैटर आया, सर मैं जरा एक मिनट आपको रोक रहा हूँ, बात की ताइद में, सिर्फ मैं इस बात को चाहता हूँ कि आप इसमें ये जोड़ लें कि हमें किसी से मदद चाहिए भी नहीं, मुसलमान हो या गैर मुसलमान, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इनजस्टिस ना हो। एक कैसा अफसर आगे बैठे जो कम से कम इतना ईमानदार हो कि हमारे साथ या किसी और के साथ, देखिए साहब इनजस्टिस ना होने दे। हालात ये हैं, जो अधिकारी आता है, अधिकारी अपना वक्त अच्छा गुजारना चाहता है, लिपोती करता है, सिर्फ काम करना नहीं चाहता, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, उसको अपना पीरियड बहुत शानदार गुजारना है, सर्विस मेंटेन करनी है, सिर्फ उसको पीरियड, वो ये कहता है कि मेरा वक्त गुजर जाए, बाकी बाद में मुद्दा बाद में उठाना, मगर मेरा वक्त गुजरने दो पहले। सही सर, इसी ये बड़ा वास्ट टॉपिक है, इस पे अलग से डिबेट रखें। देखिए मैंने आपसे ये कहा कि उन बकरे वालों के लिए, डॉक्टर साहब को मालूम है, मैंने 5 दिन प्रेस मीटिंग करी, 5 दिन, लेकिन कोई निकल के नहीं आया उन गरीबों के लिए। ये क्या वजह है? जब अलीगढ़ जैसी जगह पर लोग निकल के नहीं आएंगे तो कहाँ से निकल कर आएंगे? वजह क्या है कि लोगों के दिल में हमदर्दी नहीं रही, लोगों को दिल में ये नहीं रहा कि हम दूसरों की मदद करें। हमने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं, हमने ये होना चाहिए बच्चों से ये काम, हमने बच्चों से ये काम, बेटा तो इन चक्करों मत पढ़ना, ये सब बेकार की बात है। वो बड़ा हो गया, वही सीख गया, तो नहीं नहीं बेकार की बात, हम नहीं पढ़ना चाहते। नेतागिरी इतना गंदा काम समझा जाता है कि लोग नेताओं के बराबर में अपना घर बनाना पसंद नहीं करते, अपनी बेटी देना पसंद नहीं करते, हमारी बेटियाँ लेना पसंद नहीं करते कि नेताजी दूर रहिए। मैं जबकि ये कहता हूँ नेतागिरी एक वाहिद ऐसा जरिया है कि अगर इसको सही काम कर लो, ये आखिरत का बेहतरीन रास्ता बन सकता है, बेहतरीन रास्ता बन सकता है। ने कहा, लेकिन साथ लोग अल्लाह के अर्श के साथ में होंगे, लेकिन नेतागिरी होनी चाहिए। अगर वो उसकी नियत साफ है, अगर नियत साफ है, इसको देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने एक हदीस सुनी, अल्लाह खुद कह रहे हैं कि मेरे बंदों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूंगा, जैसे आपने अभी फरमाया, लेकिन हम कर नहीं रहे। हम बहुत अच्छा डॉक्टर तो बनाते हैं, बहुत अच्छा बेटा नहीं बनाते। घड़ी बहुत तेजी से दौड़ रही है, सर सैयद नगर के हम जहाँ रहते हैं यहाँ पर 85% लोग पढ़े लिखे रहते हैं, माशाल्लाह हर आदमी प्रोफेसर डॉक्टर यहाँ पर मिलता है ना, लेकिन इनके माँ बाप भी आज भी बेचारे यहाँ अकेली पड़ हुई है, जब तबीयत खराब हो जाती है तो मोहल्ले वाले दिखाने ले आते हैं। ये पूरा एक टॉपिक है, इस पर अलग से बहस करेंगे। रही भाई दादरी वाली बात, इस मुल्क में 2 लोगों की हुकूमत बन रही है इस वक्त,
ایک وہ جو ہمیں مارتا ہے، ایک دفعہ وہ بنا لیتا حکومت، اور ایک وہ جو ہمیں بچاتا ہے، مرتے ہم ہی ہیں. کیا خوبصورت بات کہی آپ نے، بہت اچھی بات کہی آپ نے. مرتے ہم ہی، ہمارے خون کے علاوہ کسی کی سرکار بن نہیں سکتی، اتنا جانتا ہوں. باقی دادری اسی سے ریلیٹڈ ایک مدعا ہے. اتر پردیش کا مسلمان جس نے 1988 میں اپنی سال ہا سال ڈیکیڈز پرانی وفاداریاں کانگریس سے چھوڑ کے اس مرد مجاہد کو دی تھی، جس مرد مجاہد نے ایودھیا میں یہ ثابت کیا تھا کہ میں سچائی کے ساتھ ہوں، اس مرد مجاہد کو حکومت کے نو بڈی سے سم بڈی بنا کے حکومت کے قریب لا کے کھڑا کر دیا اور حکومت کو انجوائے کرایا سال ہا سال. یعنی کہ وہ اپنی زندگی کے یا اپنے کریئر کے آخری پڑاؤ تک پہنچے اور انہوں نے پاور شفٹ کر دی اپنی اگلی نسل کو. اتنی لمبی وفاداریوں کے بعد کیا ملا؟ جاوید بھائی، میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی اور مجھے کوئی گریز نہیں ہے اس بات کو کہنے میں. الحمدللہ مجھے بنایا ہے ایم ایل اے، جو مجھے ملی ہے اللہ کی طرف سے ملی ہے، کسی نے نہیں دی. ہمارا ساتھ بالکل، ہم کلیئر کہنا چاہتے ہیں آپ کے من سے، سب کا نظریہ ایک سا ہے. کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت اچھا کوئی ہے، کوئی برا ہے، کوئی کم برا ہے. ہمیں صرف اس ملک میں کمبر کو تلاش کرنا ہے کہ کم برا کون ہے. سر میں آپ کی مجبوری سمجھ رہا ہوں، میں آپ کو مجبور نہیں، بالکل میں مجبوری قطعی نہیں برداشت کرتا، نہ مجبوری ہے میری. میں الحمدللہ مسلمان ہوں، میں خود اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ جو ہم لوگوں کو ملنا چاہیے تھا وہ ہم لوگوں کو نہیں ملا، اور اس بات کا احساس ہے. تو سر لینے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتائیے، وہ بھی آپ بتائیں. قائد ہیں آپ، ہمیں لیڈ کر رہے ہیں، آپ ہی بتائیں. لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک ہم مسلمانوں کے اندر ہمارے بڑے، ہمارے سرپرست جن کے پیچھے عوام چلتی ہے، وہ لوگ ایک نہیں ہوں گے. ان کا ٹکٹ ٹکڑوں سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے. ہم سب بکھرے ہوئے ہیں اس ٹائم، بکھرے ہوئے ہیں. کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے. میں ایم ایل اے بننے کی سوچ رہا ہوں، یہ ایم پی بننے کی سوچ رہا ہے. یہ کسی کو نہیں معلوم کہ قوم کیا کر رہی ہے، قوم کے حال کیا ہوگا. ہمیں درد ہے اس بات کا کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہم کسی سے اپنا حق جتا نہیں سکتے. ہم نے اتنا ووٹ آپ کو دیا، جیسے آپ بات کر رہے ہیں، ہم نے اتنا ووٹ دیا آپ کو، حکومت بنوائی، آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کون پوچھے گا؟ کون پوچھے گا؟ پوچھنا پڑے گا، ہمیں پوچھنا پڑے گا. ہمارے یہاں تنظیم بننی پڑے گی، اور بنا پاور کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ بھی سن لیجیے آپ، بنا پاور کے کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے ابھی ایک بات کہی تھی، آپ ادھیکاریوں کا ہم جانتے ہیں، ہم روزانہ کام لیتے ہیں ادھیکاریوں سے. کتنا ہی اچھا فیصلہ ہو، میں منسٹر بن جاؤں، چیف منسٹر بن جاؤں، میں اگر چاہوں گا کہ میں اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچا دوں، میں کتنا ہی آرڈر کرتا رہوں، لیکن فائدہ نہیں پہنچے گا جب تک ادھیکاری صحیح نہیں ہوں گے. ادھیکاری تک کا ذہن خراب ہے. پورا سسٹم بگڑا ہوا ہے، بگڑے ہوئے سسٹم کا یہ سائیکلنگ پروسیس ہے. اس سائیکلنگ پروسیس سے کیسے نمٹا جائے، آئیے ہم یہ سب جاننے کی، غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیگ صاحب کے پاس چلتے ہیں. بیگ صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو انٹالرنس ہے، یہ صرف ان لوگوں میں ہے جو آگے بڑھ کے بول رہے ہیں، آگے بڑھ کے مخالفت کر رہے ہیں، یا بحیثیت قوم مسلمانوں میں بھی ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو ابھی آپ نے ریز کیا. اور ابھی میں مطلب سیاسی نقطۂ نظر سے الگ پوچھ رہا ہوں، میں سماج کی بات کر رہا ہوں، سماج اور مسلم سماج. مسلم سماج اور مسلم سماج بھی سماج کا ایک حصہ ہے، جو ابھی پٹیل صاحب نے ایک ذکر کیا تھا، اور سیکولر ورڈ کا ذکر آیا کہ جو لوگ پڑھ لیتے ہیں مسلمان میں وہ سیکولر ہو جاتے ہیں. دیکھیے، ایکچولی ہم لوگوں کے اندر جو ہے نا، مسلمانوں کے اندر بھی اور ان جنرل، سیکولر ورڈ کا یا سیکولرزم کا صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ دوسرا آدمی جو ہمارے سامنے ہے وہ تو سیکولر ہو، اور ہم صرف اپنی کمیونٹی کے بارے میں سوچیں. تو دیکھیے، یہ نہیں ہو سکتا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سیکولرزم کا مطلب کیا ہے؟ سیکولرزم کا مطلب ہے ریشنلزم آف تھاٹ. ہر چیز سائنٹیفک، مطلب جیسے 2+2=4، یہ اپروچ ہونی چاہیے. اگر یہ اپروچ ہوگی تو ہر چیز صحیح ہوگی، انصاف سے ہوگی. اسلام کا بھی سب سے بڑا پیغام جسٹس ہے، اور جب سے دنیا بنی آج تک انسانیت کا بھی سب سے بڑا چیلنج جسٹس ہی ہے. اگر جسٹس ہوگی تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور جسٹس کب ہوگی؟ جب ہم سب کی نظریں جو ہیں وہ ریشنل ہوں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے سروائیول کے لیے بھی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے پولیٹیکل ایرینا میں، کہ ہماری اپروچ ریشنل ہونی چاہیے. ہم دوسرے سے ریشنلزم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ہم بھی ریشنل ہو. ریشنلزم کا مطلب ہے ہر چیز میرٹ پہ ہو، جو صحیح بات ہے وہ ہو. اور ہم کسی بھی ایشو کو، مسلم ایشو جو ہم لوگ بار بار کہتے ہیں مسلمانوں کے مسئلے، مطلب آپ صرف اپنے مسئلے کے بارے میں سوچتے رہے، دوسرا بھی آپ کے بارے میں سوچتا رہے، ایسا ہو سکتا؟ آپ کو ہر ایشو کو اپنے اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ وہ جسٹس کا ایشو، بالکل صحیح، مسلمان کا ایشو نہیں ہے. نہیں، یہ بات ہم سب اس ملک میں رہنے والے ہیں، اور جو ایشو ہے وہ جسٹس کا ایشو بتانا ہے. صاحب، یہ اخلاق کے ساتھ ظلم ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ انجسٹس ہوئی ہے، اور اس انجسٹس کو ایڈریس کرنا چاہیے سسٹم کو. کیونکہ دیکھیے، ایسا ہے کہ ہندوستان کے اندر، جیسا شروع میں ضمیر اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے ہندوستان کے اندر جو جنرل اچھی بات یہ ہے کہ میجورٹی انسان جو ہیں ہمارے ملک میں، وہ پلورلزم میں بلیو کرتے ہیں، سیکولر ہیں، ریشنل تھنکنگ والے ہیں، اچھے لوگ ہیں.
तो हमको उस थिंकिंग को एड्रेस करना है, उनको अपने साथ लेना। आप उनको एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, पहले एग्जाम तो मुसलमानों के इश्यूज की बात कर रहे हैं, तो ये तो बाहर हो गए सब, बाकी सब लोग बाहर हो गए। नहीं, जब तो हम खुद ही कॉर्नर में जाएं, अपने भाई के खिलाफ भी खड़े हो जाओ, हाँ। अपने माँ बाप के खिलाफ भी खड़े तो हो जाओ, हमको ये कहना है कि हमारे भाई की मदद करो, चाहे हाँ। जालिम हो या मजलूम हो। बिल्कुल सही बात है, तो इसमें बात क्लियर है कि हम जस्टिस को अबव रिलीजियस ब्रदरहुड रख रहे हैं और हम जस्टिस का ही, क्योंकि आप जस्टिस का ही प्लेटफॉर्म लें। देख साहब, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको से डिफर करूंगा और इस बात पे डिफर करूंगा कि यकीनन हमको जस्टिस की बात करनी चाहिए और हम समाज में जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन जहां हम इस कौम की बात करते हैं जिसका भी हम तस्करा कर रहे हैं, हम उसके लिए जस्टिस की बात ही नहीं कर रहे, हम उसके साथ होने वाले इनजस्टिस की बात कर रहे हैं, हम उसे डिफेंड कर रहे हैं। हमारा मसला यह है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि इक्तसादी रूप में हम शेड्यूल क्लास और शेड्यूल ट्राइब से नीचे चले गए। अब ये इंजस्टिस है, यानी मुझे आज भी याद है कि किसी जमाने में कोई एक नेता कि इस तरह से समाज के स्ट्रक्चर को बता रहा था, हमारा समाज का स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे अपर क्लास है, यहाँ पे लोअर क्लास खड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ इसे ऐसे करूँ, ऐसा आज से बरसों पहले मैंने किसी की तकरीर में सुना था, नाम नहीं लेना चाहता मैं, और लेकिन आज मैं जैसा देख रहा हूँ वो ये है कि ऐसा हो गया, उल्टा हो गया। तो ऐसा क्यों हो गया? हम तो पहले भी ना यहाँ थे ना यहाँ थे, हम यहाँ थे, ये ऐसे हो जाता तब भी हम यहीं थे, ये ऐसे हो जाता तब भी यहीं थे, लेकिन अब हमारी जगह यहाँ से हटा के यहाँ आ गई है। और ये हम नहीं कह रहे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। हमारे सारे मसाइल जो हैं वो ये हैं कि हम अपने साथ होने वाले इनजस्टिस का जिम्मेदार किसे माने, अपने आप को माने या दूसरों को माने, इंपॉर्टेंट बात यह है। लेकिन दोनों है, हमारी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मुस्लिम कम्युनिटी की भी अपनी बहुत सी कमियां हैं, जाहिर सी बात हम सब जानते हैं। क्योंकि सवाल पूरा कर दूं, क्योंकि आमतौर पर यह कहा जाता है मुसलमानों से कि देखो मुल्क तरक्की करेगा तो तुम भी तरक्की करोगे। मैं इसके उल्टा बोल रहा हूँ, मुसलमान तरक्की करेगा तो मुल्क भी तरक्की करेगा। भाई सही बात, एक किसी मुल्क का अगर 15% हिस्सा 14% हिस्सा तरक्की करेगा तो उस मुल्क की GDP पे और उस मुल्क के तरक्की के तमाम ग्राफ पे कम से कम 14% तो फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, सच्चर का भी आर्गुमेंट है इसमें, उसका भी आर्गुमेंट ये है। तो ये हमारे साथ होने वाले इनजस्टिस का हमें पॉइंट आउट ये करना है कि इस कौम के साथ होने वाले तमाम जो इनजस्टिस हैं, नाइंसाफी हैं, उसका जिम्मेदार कौन है, कौम है तो किस हद तक है, दूसरे लोग हैं तो किस हद तक है, और उसका हल क्या है। उस हवाले से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस कौम की पसमानदगी में इस कौम के इंटॉलरेंस का कोई हाथ है? देखिए, इंटॉलरेंस की यूनिक चीज ये है कि इंटॉलरेंट जो है वो ज्यादातर वो होता है जो पावर में है। एक सड़क पे जो आदमी भीख मांग रहा है, गरीब आदमी जो है, वो टॉलरेंट हो इंटॉलरेंट हो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं ये तो नोटिस कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, एक भिखारी दूसरे भिखारी से जगह के लिए लड़ रहा है। नहीं नहीं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात कर रहा हूं, क्लास के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। एक गरीब आदमी है, डिसएम्पावर्ड आदमी है, अगर वो टॉलरेंट है या इनटॉलरेंट है उसका बहुत लोगों पर उतना असर नहीं पड़ रहा है। अपने समाज में पड़ता है, जावेद भाई पावरफुल आदमी है, उसके पास जो पावर है उसने कहा कि इसको जिम्मेदार कौन है ना इंसाफी की। मैं आपसे जरा बात पूरी कर रहा हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि साहब जो पावरफुल है, ठीक है, जो इस मुल्क में जो पावरफुल फोर्सेस है, अगर वो इनटॉलरेंट हो जाए, जैसे स्टेट अगर इनटॉलरेंट हो जाए, आज के दौर में ये प्रॉब्लम है, स्टेट या गवर्नमेंट जो है वो इंटॉलरेंट अगर, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, इंटॉलरेंस को टॉलरेट करे, आप ही बात कर रहा हूँ, आपका क्या रहा है, यहाँ स्टेट इंटॉलरेंट है कि नहीं? बिल्कुल है, प्रेजेंटली है, इस वक्त परेशानियां हो रही है और उस तरफ जा रहा है, इसीलिए तो लोग चिल्ला रहे हैं। अगर स्टेट अनबायस्ड होता, इंटॉलरेंट नहीं होता, तो लोग ये वॉइसेस नहीं उठाते। तो अब मतलब दैट इज अ वेरी डेंजरस स्टेट के इंटॉलरेंट होने को हम यानी ये कौम कैसे निपटे? भाई यहाँ पे एक क्लियर बात है, कुरान की आयत है सूरह अनफाल सूरह 8 आयत नंबर 46, वला तनाज़ु, आपस में तनाज़े में मत पड़ो, फतफशलु वतज़हबारी हुकुम, नहीं तो कमजोर पड़ जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और यही हो रहा है कि कोई दबदबा नहीं है, कोई प्रेजेंस नहीं है, और इसकी वजह से हर जगह पर किसी भी तरह से कुचले आ सकते हैं। तो सही बात तो यह है कि मैं इस बात में उभारना चाहता हूँ, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस मुस्लिम्स, इन स्पाइट ऑफ अपने आपसी डिफरेंसेस के अलावा, जहां पर कॉमन बेनिफिट्स की बात है, तो हमें तो मिसाल मिल रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ पैक्ट किया था मदीना में, ताकि एक कॉमन फ्रंट वहां पे मुशरिकों के सामने लाया जाए। तो जब वहां तक की सुलह हो सकती है, तो हम ये देखें कि सारे मुसलमानों के लिए जरूरी है कि अपने डिफरेंसेस को सिंक करके एटलीस्ट इस मैटर के अंदर आपस में कॉमन फ्रंट लाया जाए, प्लस इसके अंदर जो दूसरी मजलूम कम्युनिटीज है उन्हें भी साथ में जोड़ करके एक कॉमन टॉलरेंट फ्रंट क्रिएट करना चाहिए, और जो इनटॉलरेंट फ्रंट है या लोग हैं उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, उनके साथ बहुत ज्यादा खुलकर बातें करना चाहिए, उनके साथ में बहुत सारे डायलॉग्स होने चाहिए, ताकि वो हमें मिसअंडरस्टैंड करना छोड़ें और अंडरस्टैंडिंग आपस में कम टू द कॉमन टर्म्स। मुझे किसी आयत का मफहूम याद आ रहा है, कम टू द कॉमन टर्म्स, कम टू कॉमन टर्म्स, कम टू कॉमन टर्म्स। जावेद भाई, मैं आपको एक बात हूं, आपने अभी कहा कि मुसलमानों पर जुल्म हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? इसको जिम्मेदार हमारा आप है, ये कौन? और हाँ, हम ही हैं खुद ही। यहाँ पर मर्डर होता है, FIR तक नहीं होती, यहाँ पर बहन बेटियों की इज्जत लूट जाती है, FIR भी नहीं होती। वजह क्या है कि जब तक आपको एहसास नहीं है मेरा दर्द क्या है और आपका दर्द क्या है, हम लोग निकल के नहीं आते।
ہندوستان کے اندر یہ آواز اٹھ گئی اخلاق کی تو یہ ماحول بن گیا، تو اس کو انصاف مل گیا۔ علی گڑھ میں جو ہوا، یہ ایسے کیسز روزانہ ہوتے ہیں دیہاتوں کے اندر جہاں چار چار چھ چھ مسلمان رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، روزانہ لٹتے ہیں، روزانہ پٹتے ہیں، روزانہ بے عزت ہوتے ہیں، لیکن مجبوری ہے کہ وہ وہیں رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ نکل کے نہیں آتے گھروں سے، ہم اس کو انصاف دلانے کی بات نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہندو مسلمان سکھ عیسائی کوئی بھی ہو، جس پہ ظلم ہو نکل کے آؤ، چلو اس کو انصاف دلاؤ۔ اور اس کا سب سے بڑا ذمہ دار جو ہے وہ ادھیکاری ہوتا ہے آئی ایس آئی پی ایس، سب سے بڑا ادھیکاری۔ سر میں زبی اللہ صاحب آپ کو، میری بات پوری ہو جائے؟ سر بات پوری کیجیے، صرف ایک منٹ، وقت میرے پاس بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اب میں چاروں مہمانوں سے کنکلوڈنگ، میری بات پوری، میں بس پولیس کو پوری نہ دیے۔ میں نے پہلے بھی کہا آئی ایس آئی پی ایس کسی کا سگا نہیں ہوتا، کسی کا سگا نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی مذہب ہوتا، وہ اپنا وقت اچھا گزارنا چاہتا ہے، اس کا جو پرابلم آتی ہے اس کا صحیح علاج نہیں کرتا، وہ اس کو وہیں دبا دیتا ہے۔ اگر صحیح علاج وہ کر دے اور صحیح انصاف وہ دے دے تو سرکار بھی بچ جائے اور لوگ بھی بچے ہیں۔ سرکار کوئی ایسا نہیں ہے، سرکار وہاں سے آئے گی، لکھنؤ سے یا دلی سے آئے گی، جادو کا ڈنڈا نہیں ہوتا سرکار کے ہاتھ میں کہ وہ، آپ جب تک کہ ہم لوگ نکلیں گے نہیں سڑکوں پہ، ملیں گے نہیں لوگوں سے، جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ لوگ نکلتے ہی نہیں ہیں گھر سے، انصاف نہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہندو بھائی پہ کوئی ظلم ہوتا نکل کے آئیے، اس کو انصاف دلائیے۔ ختم ہو رہا ہے دوستوں، بحث اپنے اختتام کی طرف ہے، آئیے ہم اپنے معزز مہمانوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ انٹالرنس کے اس ماحول میں ہماری قوم کیا کرے، ان کا کیا میسج ہے۔ بات شروع کرتے ہیں سمدانی صاحب۔ دیکھیے جہاں تک اس حالات میں قوم کو کیا کرنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لیں تو انہوں نے سب سے زیادہ ایجوکیشن پہ دیا دھیان، اور چونکہ ہم علی گڑھ میں ہیں، مسلم یونیورسٹی کے آس پاس یہ پروگرام ہو رہا ہے اور میں ایک فورم بھی چلاتا ہوں، سر سید ابن فورم، سر سید الرحمٰ نے بھی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ ان حالات میں سب سے پہلے ہمیں اپنی توجہ تعلیم کے اوپر مرکوز کرنی چاہیے، اور وہ تعلیم ایسی ہو جس میں اسلامی تربیت بھی شامل ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق رکھنا چاہیے، اور اپنے لیڈرز کو ایسے چننا چاہیے جن میں فہم بھی ہو، جن کے اندر قوم کا جذبہ بھی ہو، اور جو اخلاص سے کام کریں۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہم لوگ کر لیتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں نہ تو کوئی بیوقوف بنا پائے گا، اور ہمارا لیڈر ہمارا صحیح نمائندگی کرے گا۔ اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ ہمیں حکومت وقت کے پاس بھی جانا چاہیے، اپنے معاملات کو چاہے پولیٹیکل لیڈرز کے تھرو چلیں چاہے سوشل، لیکن اپنے معاملات کو سلیقے سے حکومت کو بتاتے رہنا چاہیے، اس کو صرف کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، پراپر ڈائیلاگ ہو، جی پراپر ڈائیلاگ ہو، صحیح بات کو ہم اپریشیٹ بھی کریں اور غلط بات کو، لیکن سلیقہ ہر جگہ ہونا چاہیے، جی جی، بنا سلیقے کے کوئی کام صحیح نہیں ہوتا۔ شکریہ، یہی چار چیزیں میں چاہتا ہوں۔ جی جی جی، بہت بہت شکریہ یقین سمدانی صاحب۔ اب بیگ صاحب، اس دور پراشوب میں یہ قوم کیا کرے، انٹالرنس کے اس ماحول میں اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اگر بڑھ جاتی ہیں تو کیا ہے؟ میری سمجھ سے دو رسپانسز دیکھنے چاہیے، ایک تو انڈیویجول لیول پر اور ایک کمیونٹی لیول پر۔ انڈیویجول لیول پر میری سمجھ سے اسلام کا سب سے بڑا میسج ٹالرنس خود ہے، تو ہم کیونکہ اسی سماج میں رہتے ہیں، اگر ہم سب اپنے اندر وہ ٹالرنس سچ مچ میں رکھتے ہیں اور اس کو ایکسپریس کرتے ہیں تو ہمارا میسج جو ہے وہ سارے لوگوں تک جاتا ہے، دوسری کمیونٹی کے لوگوں تک بھی جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹالرنس اور جسٹس کے لیے کھڑے ہیں، ان کی زندگی اس کا ریپلیکیشن ہے ایگزیکٹ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایٹ اے کمیونٹی لیول، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، شکیل صاحب نے بھی کہی، میری سمجھ سے ہمیں اپنے صحیح ایشوز کو صحیح سے آرٹیکولیٹ کرنا چاہیے، اور کانسٹیٹیوشنل لیگل جو مینس اویلیبل ہیں سسٹم کے، ان سے اپنے مسئلوں کو حل کرنا چاہیے۔ کیونکہ ابھی تک کیا ہے کہ مسلمانوں کا ایجنڈا دوسرے لوگ طے کرتے ہیں، کوئی ایسا ایشو سیڈو ایشو آپ کے سامنے پیش کر دیا، آپ اسی میں پھنسے رہیں گے۔ کچھ دنوں تک بابری مسجد تھا، اس سے پہلے شاہ بانو ایشو تھا جسٹ لاسٹ منٹ، اور اس کے بعد یہ دادری اور مظفر نگر، کوئی نہ کوئی ایشوز اس طرح کے رہیں گے اور ہم اسی میں ٹریپڈ رہیں گے۔ تو ہمیں اپنے ایشوز کو آرٹیکولیٹ کرنا ہے، اور اپنے کمیونٹی کے نیشنل لیول کے ایجنڈے کو خود سیٹ کرنا ہے کہ ہمارے کیا ایشوز ہیں، اپنے ایجنڈے کو خود سیٹ کرنا ہے۔ یہ ضمیر اللہ صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ ضمیر اللہ صاحب، آپ کا بریف میں کمنٹ اور میسج کہ یہ قوم کیا کرے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اگر جب تک ہم سب لوگ ایک نہیں ہوں گے، ایک ہو کر سب کی بات کریں، خالی مسلمانوں کی نہیں، ہم جہاں ظلم ہوتا ہے اس کو انصاف دلانے کی بات کریں، اور سب لوگ ایک ہو کے بات کریں، اور پیار محبت پیغام کی بات کریں۔ کیونکہ ابھی ہم نے بھی ایک پیغام چلایا تھا، امن کا پیغام انسانیت کے نام سے، 7 دن چلایا ہم نے، تو اس میں ہمیں کافی سفلتا ملی، لوگ ہم سے، کافی ہندو بھائی ہم سے جڑے۔ تو میں سمجھتا ہوں جیسے خالد بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا میسج دیں گے تو لوگ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پسند نہ کریں،
लेकिन हमें देना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। हम लोग अपने घरों में बैठे रहेंगे तो कुछ काम नहीं चलेगा। क्या बात, हमें निकलना पड़ेगा घरों में बैठ के, काम नहीं चलेगा। जैद खालिद पटेल साहब, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी बातें हो चुकी है कि हमें क्या करना चाहिए, मैं भी काफी कुछ बोल चुका हूँ और बाकी हमारे नॉलेजेबल ब्रदर्स ने भी बहुत कुछ कहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो खुद इंटॉलरेंट होते हैं, मैं इंटॉलरेंट लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, कहना ही चाहता हूँ कि जरा गौर करिए कि हम सब इंसान एक ही ब्रदरहुड है, हम सब के अंदर जो खून दौड़ रहा है वो एक ही खून है, हम सब का क्रिएटर और मालिक एक ही है, और हम सबको अलग अलग भगवानों ने, अलग अलग गॉड्स ने नहीं बनाया, सबको बनाने वाला मालिक एक है। तो होना ही चाहिए, हम सबको उसका एहसास दिल में लाना चाहिए और उसके खिलाफ जाकर ज्यादा दिनों तक हम दुनिया में भी टिक नहीं सकते। बहुत सारे जालिम आए और गए, फिरौन आया दुनिया में गया, बहुत सारे ऐसी जालिम कौमें थी आकर गए, ऊपर वाले का कंट्रोल चल रहा है, उसके खिलाफ जाकर एक इंसान वक्ती तौर पर गलत भले ही कर सकता है लेकिन लॉन्ग रन में ये चीज नहीं हो सकती। तो हम सब के लिए ये जरूरी है कि कभी ऐसा हो सकता है इंडिविजुअली कोई शख्स कोई गलत काम करे, हो सकता है। हम ये नहीं कहते हैं कि मुसलमान सब फरिश्ते हैं, मुसलमानों में भी कोई ऐसा मुस्लिम हो सकता है जो कोई गलत काम सचमुच कर ले, लेकिन याद रखिए इंसाफ का तकाजा यह है, कुरान की आयत है, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़्रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ नहीं उठाएगा। तो जो बोझ जिसका है उसे सजा दी जाए और लीगल प्रोसेस, कानून को अपने हाथ में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये गलती की जाए तो कल जाकर केओटिक एनवायरमेंट क्रिएट हो सकता है। हमारी ये कंट्री जहां पर अमन से हम सब रह सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, वी कैन इवन डिफर विद ईच अदर, आप एक अलग व्यू रखते हैं रखिए, हम एक अलग व्यू रखते हैं हम रखें, हम डिफरेंस के बावजूद एक यूनिटी रख सकते हैं इस कंट्री के अंदर और एक अच्छे कॉमन गोल की तरफ, कॉमन प्रोग्रेस की तरफ हम सब बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर जुल्म और ज्यादती होती है तो जुल्म का मामला ऐसा है, ये सिर्फ टाइम बीइंग के लिए होता है, सिर्फ कुछ वक्त के लिए होता है। हम चाहते हैं कि ये कंट्री और सिविलाइजेशन आगे की तरफ बढ़े। सारे के सारे जितने भी नबी थे वो अपने कौम के खैर खा थे, वही खैर खाई के जज्बे से हम अपनी कंट्री के लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपस में इनटॉलरेंस का माहौल ना क्रिएट करें, प्यार और मोहब्बत का माहौल रहने दें। कहीं अगर कोई गलत चीज हो गई, हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट में सही तौर पर उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। एज अ कम्युनिटी हमारा भी ये वादा है कि जुल्म अगर हमारा भाई भी कर रहा होगा, हम उसकी भी मदद करेंगे उसे रोक कर, और अगर जुल्म आप पर भी हो रहा होगा तो आप भी हमारे ब्रदर हैं। हम चाहते हैं कि जुल्म को खत्म किया जाए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाए, चाहे वो किसी पर भी क्यों ना हो। तो ये कॉमन गोल के लिए जरूरी है कि हम सब ये अपने लिमिटेशन से बाहर निकलकर, या लिमिटेशन जो बांधने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि तुम मत बात करो, ये वो लोगों की बात है, वो लोग करेंगे, नहीं, ये हम सब की बात है और हम सब इंसानों को इस चीज में यूनाइटेड होकर कदम आगे बढ़ाने हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं वो सारे जर्नलिस्ट का, वो सारे मीडिया हाउसेस, वो सारे लोग जिन्होंने अपने पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए यहां तक आके अपने अवार्ड्स की कुर्बानी देकर वो भी रिटर्न किया, मैं इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहता हूं। इस कंट्री में एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंटॉलरेंस बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक अमेजिंग मूवमेंट दिखाई दे रहा है जो एक बहुत ही हिम्मत की बात है। बहुत सारे लोग हिम्मत से बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं और इस चीज को, इस डिफरेंस को ब्रिज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कोशिशें और बढ़ेगी, जो लोगों की कोशिशें हैं कि ये कोशिशों को तोड़ दिया जाए वो लोगों की कोशिशें नाकाम होगी, बल्कि ऐसी कोशिशों को मेन स्ट्रीम, बल्कि सारे के सारे लोग मिलकर के हम ये कनेक्शन को आपस में आई होप जोड़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि इस चीज का मकसद हमारा हासिल हो। जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू। आइए हम 125 करोड़ लोग मिलकर एक ऐसा ख्वाब देखें, एक ऐसे हिंदुस्तान का ख्वाब देखें जिस हिंदुस्तान में मुसलमान के गम पे हिंदू रोए और हिंदू की तकलीफ पे मुसलमान बेचैन हो जाए। आइए हम तहिया करें कि इंटॉलरेंस और टॉलरेंस के नाम पे ना लड़ेंगे ना किसी को लड़ने देंगे। बेकरारी मेरी देखी है मेरा जब्त भी देख, बेकरारी मेरी देखी है मेरा जब्त भी देख, इतना खामोश रहूंगा कि तू चिल्ला उठे। इस नोट पे मैं इस प्रोग्राम को खत्म करता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।